आज हम पहुंचे हैं बेतला नेशनल पार्क पे। ये PTR पड़ता है, पलामू टाइगर रिजर्व, जिसे बेतला नेशनल पार्क भी कहा जाता है। आज हमारा सर्वे यहाँ पे है। पार्क के अंदर में ही एक ट्री हाउस था, वहाँ पे रुके हुए थे। तो अभी तो ब्रेकफास्ट का समय है, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके बाद देखते हैं किधर किधर घूमते हैं। आज हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी। एक्चुअली हमारा जो ट्री हाउस है उसके पीछे बालकनी है, बालकनी से सारे कुछ दिखते हैं, नज़ारे दिखते हैं। तो आज हमने बंदर देखा, लंगूर देखा, हिरन देखा और हाथी भी देखा। तो अभी हम यहाँ से अपना सर्वे स्टार्ट करेंगे। अभी तो नाश्ता करने का समय है। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम अपना सर्वे स्टार्ट करेंगे। आपको दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। आपको जितना पॉसिबल हो सके, पॉसिबिलिटी हो सके, दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे साथ लगेज होती है, थैली होती है, तो हम कैरी करते हैं, तो वीडियोज़ वगैरह बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। तो इस तरफ से स्टार्ट होता है हमारा पूरा बेतला नेशनल पार्क का जो सफारी एरिया है, इधर स्टार्ट होता है। तो जैसा भी होता है आपको बताते हैं, और आगे चलते हैं, देखते हैं हमें आगे क्या मिलता है ना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं बलजीत भैया हमें किस वजह से बुला रहे हैं। लगता है उनको कुछ दिखा है। बंदर लोग झूला झूल रहे हैं। देखिए उधर वाला मैं बैठा हुआ, यहाँ से देखिए, बिल्कुल उधर वाला मैं वो बैठा हुआ। ये रहे हमारे बलजीत भैया, ये आयुष्मान जी हैं, और हम देख रहे हैं अभी उस तरफ में बंदर झूला झूल रहे हैं। बंदर भी काफी मस्ती के मूड में लगता है। वो झूल रहे हैं ना, झूल थोड़ी बोल। हाँ, उधर बंदर झूला झूल रहे हैं। देखिए एक यहाँ पे सामने में है, लंगूर मारा जी, एक यहाँ पे सामने में बंदर है, यहाँ पे लंगूर है, और यहाँ पे हाथी है जो डमी है। तो जैसे आप लोग सब देख सकते हैं कि हम सब अभी निकलने वाले हैं, सर्वे के लिए निकलने वाले हैं। तो निकलते निकलते हमें एक चीज़ दिखी, जैसे हम आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पे लंगूर का एक छोटा सा झुंड है। आप लोग देख सकते हैं कि छोटा सा झुंड है जो अपने खाने पीने पे ध्यान दे रहे हैं। और ये रही हमारी गाड़ी। अब यहाँ से देखते हैं हमारा जर्नी किस तरफ जाता है, हमारा लक्ष्य कहाँ पे है, हमारा डेस्टिनेशन कहाँ पे है। तो हम चलते हैं, मिलते हैं अगले दौर पे। रास्ते में आपको दिखाते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। हम छिपाद्वार जाने के रास्ते पे हैं, और हमें रास्ते पे एक फाटक मिली है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। आज मैं चप्पल चेंज, अभी ट्रेन के आने का समय हो चुका है, बल्कि वो आ चुका है ट्रेन। आप ये देख सकते हैं, ये ट्रेन मालगाड़ी है, इंडियन रेलवेज का नया इंजन, नया इंजन, वेल डन, वेल डन इंडियन गवर्नमेंट। और ये मालगाड़ी जा रही है, इसमें लगता है खाली मालगाड़ी है ना, अभी फिलहाल तो खाली जा रही है। इंजन देख के मजा आ गया भाई, इंजन देख के मजा आ गया, मतलब हमको पलामू में अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। और जैसे ही ये गाड़ी पार होती है, फाटक खुलता है, तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे, छिपा दोहर की ओर। सच नाइस यार, कहाँ है वीडियो, व्हाट एक्सपीरियंस मैन। आप लोग देख सकते हैं कि एक ट्रेन के पीछे दूसरा ट्रेन चल रही है, ऐसा पहली बार हमें, ऐसा पहली बार देखने में मिला है। और जस्ट एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन, हालांकि इंजन उसके गार्ड रूम से अटैच थी, हिच नहीं लगी, वो अटैच है, एक दूसरे से अटैच है दोनों ट्रेन, दोनों में वो है। जैसे कि एक ट्रेन खत्म रूम रहता है, उसके पीछे एक नया इंजन अटैच करके फिर वो जा रही है। तो अब हमारी ये ट्रेन क्रॉस कर चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारा ये फाटक कब उठेगा, तो फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे।
तो जैसे हम देखते हैं, देख रहे हैं कि हमारी जो फाटक जो थी हमें रोकी हुई थी वो फाटक उठ चुकी है और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, छिपा दोहर की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारे बलजीत भैया और अशोक जी आगे बैठे हैं और हम पीछे की ओर बैठे हैं। तो पीछे से ये आपको नज़ारा दिखाते हुए चलते हैं। जैसे हम इधर देख सकते हैं दोस्तों कि छुपा दोहर जाने वाले रास्ते में इधर रेसिडेंट भी पड़ता है, बहुत सारे लोग रहते हैं इधर, घर भी है, बिल्डिंग्स है। छिपा दोहर लगता है पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं। और जैसे ये गांव है छिपा दोहर का, हम देख सकते हैं यहाँ खपरेला घर भी है, ढलाई वाले घर भी है, बिल्डिंग्स भी है। तो ये जंगल के लगता है कि जंगल के ऑलमोस्ट बीचों बीच टाइप से घर है, जंगल एरिया में ही घर पड़ता है। हाँ, तो अभी इस एरिया में हम पहुँचे हैं, आगे दिखाते हैं हमें जो भी नज़ारा मिलता है, जो भी हमें लगता है कि हमें आपको दिखाना चाहिए वो चीज़ हम कोशिश करेंगे, भरसक कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। थाना है राइट साइड में हमारे, छिपा दोहर थाना पड़ रहा है। ये छिपा दोहर थाना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है। और हम आगे चल रहे हैं, थाना पार कर चुके हैं, दोनों ओर घर है, राइट लेफ्ट घर पड़ रहे हैं। और आगे दिखाते हैं आगे हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है? तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं कि अभी हम छिपा दोहर के पूर्वी वन प्रक्षेत्र में पहुंच चुके हैं और हमें यहाँ पे यहाँ के ऑफिसर से मिलना है। तो ये रहा इनका कार्यालय जहाँ पे हम पहुँचे हैं और हमारे सारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि हमारे जो साहब है वो आएंगे, हम उनसे बात करेंगे और वो हमें गाइड करेंगे कि वो हमें किस ओर ले सकती है। जैसे हमारा स्पीसीज़ है, जो हमें पेड़ चाहिए वो पेड़ हमें किस ओर मिलेगा वो हमें गाइड करेंगे। वो हमारे हो सकते हैं कि किसी एक फॉरेस्ट गार्ड को हमारे साथ भेजे और वो हमें ले चले कि हमें उस जगह तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो, हमें हमारी मदद करेंगे वो और हमारे साथ रहेंगे ताकि हमें किसी तरह की परेशानी ना हो और हमारा जो काम है, सर्वे का काम है, वो हम अच्छी तरह से कर पाएँ। तो हम अभी यहाँ पहुँच चुके हैं, हमारी बात अभी हुई नहीं है, होने वाली है, वो हम उनका वेट कर रहे हैं और देखते हैं हम बात करेंगे उनके बाद। उसके बाद हमारा जो कार्यक्रम आगे का जहाँ का भी बनता है हम आपको बताएंगे, आगे का सारा कार्यक्रम, आगे का सारा हाल आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे, ठीक है? तो अभी हम उनका वेट कर रहे हैं, अभी छिपा दोहर में हम पहुँच चुके हैं, उनका वेट कर रहे हैं। और चलिए आगे जैसा भी होता है आपको आगे कहानी बताते हैं, ठीक है? मिलते हैं रास्ते में। तो दोस्तों अभी हम छुपा दोहर के जंगल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे फिलहाल अभी हम गाड़ी को खड़ा किए हैं और उसके साइड में एक पहाड़ को चढ़ रहे हैं जहाँ पे हम चार का पेड़, जिसको हम बोलते हैं पियाल भी बोलते हैं और जिसको चिरौंजी भी बोलते हैं, उसका सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। और हम आपको दिखाते हैं कि चिरौंजी का पेड़ कैसा होता है, उसका पत्ता कैसा होता है। तो चलिए ले चलते हैं आपको चिरौंजी के पेड़ के पास में और दिखाते हैं चिरौंजी का पेड़ कैसा होता है, चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा चिरौंजी का पेड़, ठीक है, जिसे हमारे लोकल लैंग्वेज में पियाल भी कहा जाता है, चार भी कहा जाता है। तो ये रहा चिरौंजी का पेड़ है ये, और जो इसका ये बार्क है ये क्रोकोडाइल का जो लेयर होता है, क्रोकोडाइल का जो बाहरी चमड़ा होता है उसकी तरह का इसका बार्क होता है। तो हम इसको पहचानने के लिए वही यूज़ करते हैं कि इसका जो बार्क है वो क्रोकोडाइल की तरह होता है, ठीक है? और वो रहा पियाल का जो लीफ है, फिलहाल तो ये तो एक डेसिडुअस प्लांट है जिसकी वजह से इसका सारा पत्ता झड़ चुका है, अभी न्यूली लीफ निकल रहा है। तो हमें वही लीफ चाहिए जिससे हमारा आगे का प्रोसेस, जैसे कि डीएनए एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो हम करते हैं, वो अच्छी तरह से हो सके। तो अभी हम इसी पहाड़ी से ऊपर जा रहे हैं, जिससे फॉरेस्ट गार्ड भी हमारे साथ है, जो वो बता रहे हैं कि इस एरिया में आगे भी है पियाल का पेड़, चिरौंजी का पेड़, जहाँ से हम और भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं।
है ना। दोस्तों हम जैसे जानते हैं कि जंगलों में, इस जंगल में हाथी भी रहते हैं और वो अपना खाना खोजने के लिए अपना आहार बांस को भी बनाते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जितना भी बांस जो ऊपर से खाली हो चुका है, ऊपर से सूख चुका है, तोड़ दिया गया है, ये सारा चीज़ हाथियों द्वारा किया गया है। जो अपने खाने को वो खींचते हैं, पत्ते खाते हैं बांस के, तो उसकी वजह से ये बांस ऊपर से तोड़ दिया गया है। हाथियों के द्वारा ये सारा काम किया गया है। जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक लरंग है जो पेड़ के साथ पेड़ को गले लगाते हुए ऊपर की ओर गई है। ये लाल कलर की जो लरंग है इसको रेहती कहा जाता है, जो काफ़ी मोटा है और ये पेड़ के साथ चिपक के और ऊपर गई हुई। और ये लरंग जो है काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी मोटा भी है और काफ़ी मजबूत भी है। और ये काफ़ी खूबसूरत है लाल कलर में, जिसको आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा कलर लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम जंगल के एक दूसरे छोर पे आ चुके हैं, दूसरे तरफ आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ के गार्ड साहब हमें बता रहे थे कि इस आसपास में हाथियों का इलाका भी है, इधर हाथी भी पाए जाते हैं और इधर इधर कहीं कहीं पे हाथियों के पैरों के निशान भी है। और हमने आसपास में बहुत सारे लंगूर के झुंड को भी देखा है। और इस तरफ एक तालाब है जहाँ पे जंगल के सारे जानवर, जैसे लंगूर हो गए, हिरन हो गए, हाथी हो गए, वो पानी पीने के लिए आते हैं। तो अभी हम उस तालाब के आसपास में कहीं हैं तो हमें उतना आइडिया नहीं है, हमारे साथ गार्ड हैं तो उनको आइडिया होगा। तो जैसे यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है और इसी रास्ते में गार्ड साहब हमारे आगे आगे जा रहे हैं, काफ़ी आगे निकल गए हैं वो, और मैं और आयुष्मान जी उनका पीछा कर रहे हैं और देखते हैं हम किस ओर जाते हैं। हमें कुछ ऐसे कुछ जीव हमें मिल जाते हैं जो अनोखा लगे, जो हम पहली बार देखें तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और अभी इस तरफ से मेरे को लगता है कि रास्ता बनाए जा रहे हैं जंगल के सारे क्षेत्र में घूमने के लिए। तो जैसे बलजीत जी हमें बोल रहे हैं कि उस पहाड़ में जाना है, तो देखते हैं हम उस पहाड़ पे किस तरफ से जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा तालाब जैसा है, छोटा सा गड्ढा है जहाँ पे पानी इकट्ठा है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन इसका जो पानी का यूज़ है, जो यहाँ के आसपास के जानवर जो आते हैं इधर पानी पीते हैं, तो ये छोटा सा तालाब जैसा है। और हम जैसे देख रहे हैं उस जगह पे लंगूर जो भागदौड़ी कर रहे हैं, उस ओर काफ़ी लंगूर भाग रहे हैं हमें तो दोस्तों जैसे हमें पता चला कि ये हाथियों का इलाका ही है, इधर हाथियों का आना जाना हमेशा बना रहता है। तो उसका निशानी हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ कुछ है। और ये रहा जो आप देख सकते हैं, ये हाथी का निकाला हुआ वेस्ट है जो यहाँ पे पानी पीने आते हैं या फिर इधर घूमते हैं अपने खाना की तलाश में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हाथियों का वेस्ट है। तो दोस्तों अभी हम फिर से जंगल से वापस लौट के छिपा दोहर पहुँच चुके हैं। आज का जो हमारा जो छोटा सा टारगेट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हम अभी वापस पहुँचे हैं छिपा दोहर, फिर अभी यहाँ से हम गार्ड साहब को छोड़ते हुए अभी हम वापस फिर पीटीआर को चलेंगे, फिर वहाँ पे जहाँ हमारा स्टे है वहाँ पे खाना पीना करेंगे, आराम करेंगे, फिर
हमने कल का दिन तय किया है कि हमारा कल का दिन रहेगा जो हमारा जो सर्वे है उसको कंप्लीट करने का। तो अभी हम यहाँ से निकल चुके दोहर से, तो आगे चलते हैं, पहुँच जाएंगे लगभग, हाँ बलामु टाइगर रिजर्व हम पहुँच जाएंगे। फिर आपको वहाँ का भी आशा करते हैं ये वीडियो आपको रोमांचक महसूस हुआ। हाँ बिल्कुल, आशा करते हैं कि आप सबों को ये वीडियो बहुत ही रोमांचक महसूस हुआ, और आगे का भी जारी रहेगा हमारा वीडियो बनाना। तो आप देखिए और बने रहिए, अभी हमारा जर्नी पूरा बाकी है। स्टे ट्यून्ड और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फैलाइए और दुनिया भर में फैलाइए। और बताइए कि जहाँ हमारे झारखंड में कैसे कैसे पेड़, कैसे कैसे जगह है जहाँ पे बहुत अच्छा हरियाली है, जंगल से भरा पड़ा है, ये बात लोगों को बताइए ताकि लोग भी यहाँ आए, झारखंड को जाने, झारखंड के बारे में देखें, जाने, घूमें, टाइगर रिजर्व्स के बारे में पढ़े और यहाँ घूमने भी आए। तो आप सब इस वीडियो को फैलाइए और सहायता कीजिए कि जो झारखंड है वो हमारे देश में भी बहुत अच्छी पोजीशन पे जम सके, अच्छी पोजीशन पे पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के लिए ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 बाय।